हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आए दिन एचआरएमएस म्यूचुअल ट्रांसफर में जो उनके म्यूचुअल पार्टनर होते हैं उनके द्वारा एक बहुत ही गलत फहमी या कहें ब्लैकमेल करने का रिवाज बन चुका है। वो अपने पार्टनर को किसी न किसी रूप से धोखा देते रहते हैं। उसी में साथियों, बहुत सारे हमारे रेल भाई बंधु का कमेंट्स आया है कि सर, अगर हमारा एचआरएमएस म्यूचुअल ट्रांसफर दोनों तरफ से सफल हो जाता है और सामने वाला जो म्यूचुअल पार्टनर है वो स्पेयर होने से या मेरे डिवीजन में आने से मना कर रहा है, तो उसका क्या होगा, क्या परिणाम हो सकता है, क्या उपाय करें कि मैं अपना ट्रांसफर जहां लगाया था वहां पे चला जाऊं, सक्सेस कर जाऊं। बहुत परेशानी हो रहा है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज आपके साथ हुआ है तो कल आपके पार्टनर के साथ होगा, फिर किसी और के साथ, ये सिलसिला चलते रहेगा। तो उसको जो उस गलत फहमी है जो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, उनको दूर करने के लिए ये वीडियो को वॉच करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने पार्टनर को सबक सिखा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है, घंटी है, उसे क्लिक कर लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं आज के बिंदु के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल पार्टनर होती है वो एक दूसरे से म्यूचुअल लगाते हैं, उसमें दो रेलवे एम्प्लॉय म्यूचुअल लगाते हैं। वो अपने हिसाब से अपने घर के पास में या होम डिवीजन होम टाउन में जाने के लिए कोशिश में रहते हैं और वो म्यूचुअल कराते हैं। एचआरएमएस के द्वारा उनका अगर म्यूचुअल सफल हो जाता है, उसके बाद आपके म्यूचुअल पार्टनर का नाटक शुरू होता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यही डिवीजन में रहूंगा। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं और इस वीडियो में मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूं कि अगर ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है तो आपका किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। आपको हर हाल में वहां से रिलीव होके जहां पे ट्रांसफर लगाए थे वहां जाना पड़ेगा, चाहे तो आप कुछ कर ले। हाँ, आप कुछ दिनों के लिए वहां स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप वहां से आने से मना नहीं करेंगे। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो प्रशासन आपके हरकत से परेशान होके आपको पनिशमेंट कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, क्योंकि आपने रेलवे के समय को बर्बाद किया है, साथ साथ जो रेलवे का रूल्स रेगुलेशन है उसको भी भंग करने का कोशिश किए हैं। और आपके पार्टनर, आपके म्यूचुअल पार्टनर हैं, वो भी इस म्यूचुअल के लिए बहुत मेहनत किए हैं, जैसा कि आप भी शुरू में किए होंगे, तो वो भी आपसे नाराज हो जाएंगे और एक अलग तरह के प्रशासनिक रूप से आपके ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जिसके चलते आप पूरी तरह से आप प्रशासन और रेलवे के नज़र में आ जाएंगे और फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि वैसे पार्टनर्स से अगर आप परेशान हैं तो निश्चिंत रहें, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप घबराएं नहीं। आप अपने डिवीजन, अपने स्टेशन से अगर आपका ऑफिस ऑर्डर निकल गया, रिलीविंग लेटर निकल गया है, तो आप स्पेयर होके उसके डिवीजन में जाएं। आपके साथ आपका पार्टनर ये भी कहेगा कि अगर तुम मेरे डिवीजन में आएगा तो तुमको वापस उसी डिवीजन में भेज दिया जाएगा, आपको डराएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर जाएं। जैसे ही आप उस डिवीजन में चले जाएंगे तो वहां के जो प्रशासनिक, जो पर्सनल वाले साहब होंगे, ऑफिसर होंगे, उनके ऊपर एक और प्रेशर रहेगा कि अगर ये आ गया है तो इसको हर हाल में जाना पड़ेगा, और वो भेज के रहेंगे। और ये डिवीजन वाले जो पहले डिवीजन, वो भी अपना
मांग करेंगे कि अगर हमने यहाँ के बंदे को छोड़ दिए हैं तो वहाँ के बंदे को आप भेजें। तो साथियों, आप घबराए नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपका HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर सफल हो गया है तो आपको भी स्पेयर कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि आए से पिछले दिन बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका ये सेम केस हुआ है और कुछ समय लगा, संघर्ष करते रहे और आखिर अंत में उसका स्पेयर हुआ और दूसरे डिवीजन में चले गए। और जो नाटकबाज म्यूचुअल पार्टनर था वो उनको भी हर हाल में रिलीव किया गया और आना ही पड़ा। तो ऐसे पार्टनर सावधान रहें, सतर्क रहें। पूरे रेलवे बोर्ड के आप नज़र में हैं कि क्या आपके साथ चल रहा है, तो ऐसा गलती आप भूल के भी ना करें। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो म्यूचुअल लगाने से पहले आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद म्यूचुअल लगाएं। और अगर आप पैर बढ़ा दिए हैं, म्यूचुअल हो गया है, तो आप खुशी खुशी जाएँ जिस डिवीज़न में लगाए थे और अपनी जो छवि है उसको एक अच्छा रूप दे के जाएँ और जिस डिवीज़न में जाएँ एक अच्छा व्यवहार करें। तो साथियों, यही था जानकारी। जो आपके पार्टनर अगर मना करते हैं तो घबराए नहीं और अपने पार्टनर को भी बताएं कि अब कुछ होने वाला है नहीं, आपको हर हाल में आना पड़ेगा। मैं भी आऊँगा, आपको भी आना पड़ेगा। तो साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आपके जो मन में डाउट था, परेशानियां था, उलझने था, वो समाप्त हो गया होगा। अगर समाप्त तो हो गया है तो एक हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।